नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। भोजपुर जिले के रहने वाले अविनाश कुमार का 65वीं बीपीएससी मेंस में चयन हो गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रिजल्ट से पहले ही कोरोना उन्हें ले लेगी। अब मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक लड़की का चयन बिहार पुलिस के दरोगा पद पर हो गया था, लेकिन उसकी अचानक मौत हो गई। युवती शिवानी का चयन बिहार पुलिस में दरोगा पद पर हुआ था, जिसके बाद घर में काफी खुशी का माहौल था, लेकिन उनकी अचानक मौत हो जाती है और वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उनके परिवार वालों को क्या पता होता है कि वर्दी पहनने से पहले उनकी बेटी चली जाएगी। जहांगीरपुर के रहने वाले उमेश शाह की बेटी शिवानी ने शनिवार को ही सुबह वैक्सीन ली थी। उसके बाद शिवानी को बुखार आया और रात में उसने दवा भी ली, फीवर भी कम हुआ, लेकिन सुबह अचानक उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग को जाम कर दिया है और जमकर हंगामा मचाया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। परिजनों का कहना है कि वैक्सीन की वजह से शिवानी की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर जिले के मुसौली प्रखंड के जहानपुर की रहने वाली शिवानी का चयन बिहार पुलिस के दरोगा पद पर हुआ था। फाइनल रिजल्ट आने के बाद घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि दरोगा की वर्दी पहनने से पहले ही शिवानी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। इससे पहले हम आपको बताए थे कि भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल के वैसाडीह निवासी विजय शंकर उपाध्याय के 30 वर्षीय बेटे अविनाश कुमार को बीपीएससी 65वीं मेंस में सफलता मिली थी, लेकिन विडम्बना यह कि इस रिजल्ट को सुनने के लिए अविनाश इस दुनिया में नहीं है। बेटे की इस सफलता के बावजूद परिवार में मातम बना हुआ था। दरअसल रिजल्ट आने के महज 6 दिन पहले कोरोना ने अविनाश की जान ले ली थी। बीते 24 जून को अविनाश भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दो भाइयों में छोटे अविनाश 24 अप्रैल को संक्रमित हुए थे और बड़े भाई अभिषेक उपाध्याय रेलवे में सीनियर लोको पायलट है। अब मुजफ्फरपुर की रहने वाली शिवानी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। वह शनिवार को वैक्सीन ली थी, जिसके कारण उनका तबीयत खराब हो गया था। मुजफ्फरपुर की रहने वाली शिवानी बिहार पुलिस के दरोगा पद पर चयनित हुई थी, जिसके बाद से उनके परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन शनिवार को वैक्सीन लेने की वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और बुखार लगा, जिसके बाद वो दवा भी ली, लेकिन उनकी मौत आज हो गई है। आपको बता दें कि परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।